दोस्तों, अगर आप अपने घर या ऑफिस में टाइल लगवाने की सोच रहे हैं, टाइल लगवाने जा रहे हैं, तो टाइल की सिलेक्शन को लेकर जरूर आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होगी कि मेरे घर के लिए सबसे बेस्ट टाइल कौन सी रहेगी जो ड्यूरेबल भी हो और मेंटेनेंस फ्री भी हो। और इन कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी आप मार्केट में टाइल परचेज करने जाते हो तो वहां आपको टाइल्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज देखने को मिलती हैं, जिससे आपके मन में यह सभी कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो अगर आप भी अपने घर के लिए बेस्ट टाइल सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने घर के फ्लोर या वॉल्स पर कौन सी टाइल लगानी चाहिए, तो आप अंत तक मेरे साथ आज इस वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको डबल चार्ज टाइल और ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स, इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इन दोनों ही टाइल्स में अक्सर कंफ्यूजन रहती है और सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन दोनों टाइल्स के सरफेस प्रिपरेशन और डिजाइन को लेकर रहती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा इन दोनों टाइल्स के मेजर डिफरेंसेस को इस वीडियो में कवर करने की। ओके फ्रेंड्स, तो जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टाइल्स का डिटेल कंपैरिजन देखने से पहले आप टाइल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लो। पहली बात के टाइल्स बेसिकली तीन तरह की होती हैं, विट्रीफाइड टाइल्स और पोर्कलेन टाइल्स। ये दोनों ही टाइप की टाइल्स हमेशा फ्लोरिंग के लिए यूज की जाती हैं और सिरेमिक टाइल्स हमेशा वॉल्स के लिए यूज की जाती हैं। और जो डबल चार्ज टाइल्स और ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स है, ये भी विट्रीफाइड टाइल्स के कैटेगरी के अंडर ही आती है। विट्रीफाइड टाइल्स आज मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है अपने एस्थेटिक्स यानी कि ब्यूटी और फीचर्स की वजह से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और स्क्रैच रेजिस्टेंट होती हैं। विट्रीफाइड टाइल्स विट्रिफिकेशन प्रोसेस से मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि इनका वाटर एब्जॉर्प्शन भी बहुत लो होता है। हाँ, विट्रीफाइड टाइल्स सिरेमिक टाइल्स से थोड़ी महंगी जरूर होती है, पर इन्हें आप हर जगह, घर में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, लगभग हर जगह यूज कर सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स और सिरेमिक टाइल्स को प्रोड्यूस करने में इंडिया सेकेंड रैंक पर है। इंडिया सिरेमिक टाइल्स का हब है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी टाइल्स के बारे में। आइए अब हम इन दोनों टाइल्स का डिटेल कंपैरिजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में। डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स पाउडर की दो लेयर को प्रेस करके मैन्युफैक्चर की जाती है, जिसे मल्टी चार्ज या डबल लोडिंग टाइल्स भी बोला जाता है। आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी टाइल डबल चार्ज टाइल है? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप टाइल्स को साइड से देखिए। इसमें आपको दो लेयर दिखेंगी, अपर लेयर कलर पिगमेंट वाली होगी और नीचे की बेस लेयर होगी। तो ऐसे आप डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड है जीवीटी टाइल्स, ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स। जीवीटी टाइल्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अपर सरफेस पर ग्लेज कोटिंग की जाती है, जिसकी थिकनेस 1 mm से भी कम होती है। अपनी अपर लेयर की थिकनेस 1 mm से भी कम होने की वजह से आप इसे हाई ट्रैफिक एरिया में यूज नहीं कर सकते। मींस जीवीटी टाइल्स हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए सुटेबल नहीं होती और समय के साथ इन टाइल्स का कलर भी फेड हो जाता है। ये टाइल्स भी दो टाइप की फिनिशेस में आती है, एक पॉलिश्ड फिनिश में और एक मैट फिनिश में। तो ये है डबल चार्ज और ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स की डेफिनेशन। आइए अब इन दोनों टाइल्स का डिटेल कंपैरिजन देख लेते हैं। डबल चार्ज टाइल्स, ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डबल चार्ज टाइल्स वेरियस फीडर से मैन्युफैक्चर की जाती है, जो फीडर्स हाइड्रोलिक प्रेस से अटैच रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डबल चार्ज टाइल्स में पाउडर की दो लेयर को प्रेस किया जाता है और अपर लेयर की थिकनेस 3 से 4 mm तक रखी जाती है। आपने अक्सर ट्रोपिकाना और अमेजोन सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा। यह सीरीज फीडर के बेस पर ही क्लासिफाइड की जाती है। इन टाइल्स के सरफेस पर नैनो कोटिंग की जाती है, जिससे डबल चार्ज टाइल्स पर इजिली स्क्रैच नहीं पड़ते और इन्हें क्लीन करना भी आसान रहता है। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने बताया है कि जीवीटी टाइल्स डिजिटल प्रिंटर से बनाई जाती हैं और जीवीटी टाइल्स के सरफेस पर ग्लेज कोटिंग अप्लाई की जाती है। डिजिटल लेयर की थिकनेस हमेशा 1 mm से कम रखी जाती है। सेकंड, प्रिंटिंग। डबल चार्ज टाइल्स में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को होती है वो ये कि वे सोचते हैं कि क्या डबल चार्ज टाइल्स के सरफेस पर डिजाइन प्रिंट होता है या नहीं। तो इन टाइल्स पर डिजाइन कलर पिगमेंट से बनाए जाते हैं, फीडर से प्रेस करके, जिसमें वेरियस डिफरेंट डिजाइन्स और कलर्स के लिए वेरियस डिजाइन मोल्ड यूज किए जाते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो डबल चार्ज टाइल्स के सरफेस पर डिजाइन फीडर की मदद से इम्प्रिंट किए जाते हैं और डिजाइन की लेयर 2 से 4 mm तक रखी जाती है। पर ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स के सरफेस पर डिजाइन हाई वॉल्यूम इंकजेट डिजिटल प्रिंटर की मदद से प्रिंट किए जाते हैं।
इन टाइल्स पर किसी भी टाइप्स के डिजाइन और टेक्सचर को कस्टमाइज किया जा सकता है फोटोशॉप वगैरह में पहले ही बनाकर, और प्रिंट की लेयर 1 mm से कम रखी जाती है। थर्ड, कैलिब्रेशन एंड पॉलिशिंग मशीन। डबल चार्ज टाइल्स को किल्न से पास करने के बाद 12 से 48 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले ग्लोसी फिनिश डबल चार्ज टाइल्स को कैलिब्रेशन मशीन से पास किया जाता है, जिसमें टाइल्स के माइनर स्क्रैचेस के लिए डायमंड रोलर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद टाइल्स की परफेक्ट फिनिश के लिए पॉलिश्ड मशीन और साइजिंग मशीन यूज की जाती है। पर जीवीटी टाइल्स में सिर्फ साइजिंग मशीन यूज की जाती है, पॉलिशिंग मशीन और नैनो मशीन इन मैट फिनिश टाइल्स में यूज नहीं की जाती। तो कैलिब्रेशन मशीन का डिफरेंस भी इन दोनों टाइल्स में एक मेजर डिफरेंस है। फोर्थ, अगर इन दोनों टाइल्स में डिजाइन की बात करें तो डबल चार्ज टाइल्स में डिजाइन लिमिटेड ही होते हैं और फिक्स्ड पैटर्न मोल्ड होने की वजह से इन टाइल्स के डिजाइन में किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन नहीं की जा सकती। पर जीवीटी टाइल्स में डिजाइन और पैटर्न की एक वाइड रेंज अवेलेबल है। डिफरेंट नंबर ऑफ डिजाइन इन टाइल्स पर प्रिंट किए जा सकते हैं। इन टाइल्स में डिजाइन सेम या रैंडमली कैसे भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मशीन से प्रिंट किए जाते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप जीवीटी टाइल्स पर डिजाइन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही आसानी से कस्टमाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इन दोनों टाइल्स की लाइफ की बात करें तो क्योंकि डबल चार्ज टाइल्स की अपर लेयर की थिकनेस 3 से 4 mm तक की होती है, इसीलिए डबल चार्ज टाइल्स की लाइफ जीवीटी टाइल्स से ज्यादा होती है। पर जीवीटी टाइल्स में प्रिंट लेयर की थिकनेस क्योंकि 1 mm से भी कम रखी जाती है, इसीलिए इन्हें आप ज्यादा ट्रैफिक एरिया में यूज नहीं कर सकते। ये टाइल्स हाई ट्रैफिक एरिया के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि इनकी सरफेस लेयर पर ग्लेज कोटिंग रहती है जो एक टाइम के बाद फेड हो जाती है। तो लाइफ के मामले में भी डबल चार्ज टाइल्स बेस्ट हैं। नेक्स्ट, अब अगर इनकी यूसेज की बात करें तो डबल चार्ज टाइल्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लो टू हाई ट्रैफिक एरिया में, जैसे एयरपोर्ट, मॉल्स, ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स और घर वगैरह में। पर जीवीटी टाइल्स को आप सिर्फ मीडियम ट्रैफिक एरिया में ही यूज कर सकते हैं, जैसे घर या ऑफिसेज में। अब अगर इन दोनों टाइल्स में साइज अवेलेबिलिटी की बात करें तो डबल चार्ज टाइल्स में 600x600 mm, यानी कि 2 फीट x 2 फीट, 600x1200 और 800x800 mm के साइज बहुत ही पॉपुलर है। और जीवीटी टाइल्स में 600x600 mm, 600x1200 mm, 800x800 mm, 800x1200 mm और 1200x1600 mm के साइजेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, स्क्रैच रेजिस्टेंट। डबल चार्ज टाइल्स ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होती हैं जीवीटी टाइल्स के कंपैरिजन में, पर जीवीटी टाइल्स अपने ग्लोसी लुक के कारण स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी, डबल चार्ज टाइल्स ज्यादा ड्यूरेबल होती हैं जीवीटी टाइल्स से, इनकी अपर लेयर थिकनेस ज्यादा होने की वजह से। पर ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स कम स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती हैं एज कंपेयर टू डबल चार्ज टाइल्स। अब अगर लास्ट में बात करें इन दोनों टाइल्स के प्राइस की, तो वैसे तो दोनों टाइल्स के प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होता, इनका प्राइस लगभग सेम ही रहता है। डबल चार्ज टाइल्स की स्टार्टिंग रेंज है 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो अपनी अपर कलर पिगमेंट लेयर की वजह से जीवीटी टाइल्स से थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है। बाकी रेट डिपेंड करता है आपकी साइट लोकेशन, टाइल्स की थिकनेस, क्वालिटी, साइज और फिनिशिंग पर। इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, जैसे आपके घर या ऑफिस तक टाइल्स पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस एक्सेट्रा। और जीवीटी टाइल्स थोड़ी कम एक्सपेंसिव रहती है डबल चार्ज टाइल्स से, इनकी प्राइस रेंज 40 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां इन दोनों टाइल्स का वेरियस फैक्टर के अकॉर्डिंग डिटेल कंपैरिजन किया, पर एक्चुअल में टाइल की सिलेक्शन आपकी च्वाइस, स्टाइल और बजट पर पूरी तरह डिपेंड करती है। हालांकि ये दोनों ही टाइल्स घर और ऑफिस के लिए बेस्ट ऑप्शन है अपनी स्टेन और स्क्रेच रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के कारण, पर इन दोनों ही टाइल्स की अपनी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सिंपल और मार्बल जैसी लुक चाहते हैं तो फिर आप डबल चार्ज टाइल्स के साथ जा सकते हैं, पर अगर आप अपने इंटीरियर फर्नीचर डिजाइंस को अपने टाइल्स के डिजाइन के साथ मैच कराना चाहते हैं और अपनी टाइल्स को कस्टमाइज कराना चाहते हैं, तो फिर जीवीटी मे बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों को कुछ काम आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी यह समस्या हो तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारा नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।